ओके गाइस, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग डिवाइस के नवंबर अपडेट के बारे में। बेसिकली यहाँ पे सैमसंग ने कुछ स्मार्टफोन के लिए फाइनली नवंबर की सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से स्मार्टफोन के लिए फाइनली नवंबर की सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो रिलीज हो चुकी है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट रिलीज किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट जो रिलीज किया गया वो गाइस सैमसंग जेड फोल्ड 4 जेड फ्लिप 4 के लिए रिलीज किया गया, जो कि ये नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाती है। और ऑब्वियसली काफी अच्छी चेंजेस के साथ अपडेट रिलीज किया गया, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड 13 विद 1.5.0 की अपडेट जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। अगला अपडेट जो रिलीज किया गया वो गाइस सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 एंड फ्लिप 3 के लिए रिलीज किया गया, जो कि आउट ऑफ इंडिया अपडेट देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें हमें नवंबर 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है और भी काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ अपडेट जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। अगला डिवाइस नोट 20 सीरीज निकल के आता है, जो कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के लिए नवंबर 2022 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें हमें एंड्रॉइड 13 विद 1.5.0 की स्टेबल अपडेट जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिलती है। और नो डाउट कि यहाँ पे 1.5.0 में काफी सारी फीचर्स देखने के लिए मिलती है, तो ऑब्वियसली काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन और इंप्रूवमेंट्स के साथ अपडेट को रिलीज किया गया है। अगला अपडेट हमें सैमसंग S21 सीरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें हमें सैमसंग S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा के लिए जो है वो अपडेट रिलीज किया गया। बात करें अपडेट फाइल के बारे में तो 2150 MB की आप लोगों को अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। 1 नवंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया। यह अपडेट अभी आउट ऑफ इंडिया कुछ कंट्रीज में रिलीज की गई है। साथ ही साथ इस अपडेट के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 विद 1.5.0 की स्टेबल अपडेट जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो सैमसंग S20 सीरीज के लिए जो है वो अपडेट रिलीज किया गया, जिसमें सैमसंग S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के लिए अपडेट रिलीज किया गया है। बात करें यहाँ पे अपडेट फाइल के बारे में तो 2150 MB की आप लोगों को अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। 1 नवंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ इस अपडेट के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 विद 1.5.0 की स्टेबल अपडेट जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। और ये अपडेट अभी आउट ऑफ इंडिया रिलीज किया गया, बट इंडिया के अंदर नो डाउट बहुत ही जल्द अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की इस न्यू वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी यार। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस न्यू वीडियो में बस इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।